हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिया फूड पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला चना। मसाला चना जनरली हम घरों में बनाते हैं, बट ये जो रेसिपी है वो एकदम डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम जो चीज़ें यूज करने वाले हैं वो एक अलग तरीके से यूज करेंगे। तो हमें कैसे यूज करनी है और कितनी मात्रा में यूज करनी है ये हम आपको बताएंगे, और इस रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन कौन से मसाले लेने हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं उबले हुए चने। ये हमने सादा चने लिए थे एक कटोरी, जिनको हमने रात भर पानी में भिगो के रखा। इसके बाद कुकर में हमने इनको चार सीटी में पका लिया और हमारे ये उबले हुए चने तैयार हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर लिया है प्याज, जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा बारीक काट लिया है। आप चाहें तो आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं। साथ ही हमने लिया है यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको हमने लॉन्ग शेप में काट लिया है। आपने यहाँ पर देखा था कि एक प्याज जो है हमने उसको बहुत ही ज़्यादा बारीक काटा है और एक प्याज जो है वो हमने लॉन्ग शेप में काट लिया है। दोनों टाइप का हमने प्याज यहाँ पर लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज का टमाटर और साथ ही दो हरी मिर्च ली है, जिसको हमने बारीक काट लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ ही हमने लिया है यहाँ पर नमक। नमक हम स्वादानुसार ऐड करेंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मसालों की। तो मसालों में हमने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच रोस्टेड कुमिन सीड, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो दोस्तों, मसालों में सिर्फ हमें यही चीज़ें लेनी थी। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। हमारे जो मसाला चना है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे मसाला चना जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और खाने में इनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आप घर पर ये बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।